जबलपुर के छोटे से महावीर करते हैं सभी भक्तों की बड़ी बड़ी मनोकामनाएं पूरी। जबलपुर सराफा के उपरेनगंज रोड में स्थित ये छोटे महावीर का मंदिर अत्यंत प्राचीन है। ऐसा बताया जाता है कि इसका इतिहास लगभग 400 से 450 वर्ष पुराना है, जो कि कलचुरी कालीन माना जाता है। जबलपुर के ये छोटे महावीर जिस मंदिर में विराजित हैं, आप वहाँ की मूर्ति कला शिल्प कला देखकर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये अत्यंत प्राचीन है। और आप यहाँ पर दो मूर्तियाँ देख सकते हैं जो कि कलचुरी काल में बनाई गई हैं। पंडित जी का भी कहना था कि मंदिर में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है, जैसा था वैसा ही रहा है और जो मूल ढांचा है वो तो पूरा सेम ही है। पुजारी जी द्वारा बताया गया कि मंगलवार को छोटे महावीर का विशेष श्रृंगार किया जाता है, जिसमें उन्हें चोला चढ़ाया जाता है और सभी भक्तों की भीड़ लग जाती है मंगलवार और शनिवार को दर्शन पाने के लिए। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस छोटे महावीर मंदिर की छोटी सी जगह में शिव परिवार, श्री राम दरबार और भैरव बाबा शनिदेव सभी विराजित हैं, जिनका आशीर्वाद जबलपुर वासियों पर सदैव से रहा ही है। प्रभु श्री राम, सीता मैया और लक्ष्मण जी को जब केवट ने नदी पार कराई थी तो उसका सीन भी यहाँ पर लगाया गया है, जो कि श्रद्धालुओं को बहुत ही आकर्षित करता है। इस छोटे महावीर मंदिर की प्राचीनता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस पंडित जी से हमने बात की, वो आज चौथी पीढ़ी में सेवा कर रहे हैं इस छोटे महावीर मंदिर में। और प्रभु जहाँ विराजित हैं, उनके पीछे एक विशाल पीपल का वृक्ष भी है, जिसका इतिहास भी लगभग 450 वर्ष पुराना है। और विभिन्न मौकों पर शहरवासी इस पीपल के वृक्ष का पूजन अर्चन करने के लिए पहुँचते रहते हैं। इस प्रकार सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं जबलपुर के ये छोटे से महावीर। तो आप भी आए, दर्शन जरूर पाएं। हाँ, मेरा गौरव तिवारी और मैं यहाँ का पुजारी हूँ, और साथ ही यहाँ पर मेरे भाई साहब और पूरा परिवार और समिति के और भी सदस्य लोग सेवा भाव सब जी जी जी, जी चौथी पीढ़ी चल रही है। पंडित जी, ये जबलपुर का महावीर का मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है जबलपुर वासियों के, क्या इतिहास रहा है इसका, जरा बताइए। ये गोंडवाना कालीन मंदिर है जो कि कलचुरी कालीन समय का माना जाता है, और इसकी ये मतलब अपने आप में विख्यात है, जो कि भगवान श्री छोटे महावीर जी बजरंग बली जी को समर्पित है। रुद्र अवतार श्री हनुमान जी महाराज यहाँ के मतलब मुख्य भगवान हैं, और साथ ही साथ अन्य देवी देवता भी विराजमान हैं, शिव परिवार, राम दरबार, शनिदेव और भैरव बाबा। और तो 350-400 वर्ष प्राचीन। और ये मंदिर के पीछे छोटे महावीर जी बैठे हैं, लोग उसके पीछे एक वृक्ष लगा हुआ है, वो भी अत्यंत प्राचीन दिखाई पड़ता है, कितने साल हो गए होंगे? ये प्राचीन वृक्ष पीपल वृक्ष है, जो कि तकरीबन अनुमानित समय इसका मतलब 450 से 500 वर्ष प्राचीन। और मंगलवार को और शनिवार को कैसा माहौल रहता है? मंगलवार शनिवार को मतलब देखा जाए तो बढ़िया भीड़ भाड़ रहती है अपने श्रद्धालुगण दर्शनार्थियों का। भगवान कैसा रहता है श्रृंगार का? मंगलवार को और शनिवार को प्रभु को चोला अर्पण होता है सुबह 8 बजे, और विशेष श्रृंगार रहता है मंगलवार शनिवार दोनों दिनों।